क्या हाल है मित्रों? तो देखिए मेरी वाइफ तो डेंजर लग रही है, डेंजर। ओहो, ये तो रोटी है। एक समय था जो कि यही हम लोग के लिए सहारा बना था। जल्दी सामान उतारो लोगन। अमन के तो लावा एक के लेकिन बट अमन के करिया करिया आए हैं। हाँ, गुरा गुरा। कौन और से करिया वाली लोग? गुलाब जामुन के साथ छेना। हाँ। इतना मकई हम लोग ले चुके हैं और इसको लेके कि हम लोग बैठे थे पटरी पे और ट्रेन मतलब हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के रजनी कौशल में। आज है 25 तारीख, 25 तारीख की दिनचर्या में ऐसे ही बने रहिएगा। अभी हम लोग है मस्त गांव का लोकेशन है, विलेज लाइफ है, जो कि शहर में रहते रहते दिमाग खराब हो चुका है। तो अभी हम लोग गांव के रेलवे लाइन के पास जा रहे हैं हम लोग, जो कि सुबह सुबह लघु संख्या करने जा रहे हैं हम लोग। सुबह का समय नहीं है, लगभग 11 बजने वाला है, सोचे हम लोग टहल भी लेंगे उसी बहाने। तो चलिए देखते हैं कितना, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ गांव का रास्ता यही होता है, सड़क में पूरी घासें जम जाती हैं, खेत वाला जो रास्ता होता है इतनी सी होती है लकीर, उसमें बाइक चलाना होता है जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बाइक फिसलने का डर होता है। काफी ज्यादा मजा आता है, यही चीज तो हमारे गाँव को, हमारे खेतों को खूबसूरत बनाता है, ये जो घास वगैरह है, हरियाली। तो गाइस ये है रेलवे लाइन और यहाँ भाई सब पटरी पे जा चुके हैं, तो अभी हम लोग भी जाते हैं, दिखाते हैं आप सभी को। ये रेलवे लाइन है और यहाँ ऐसे पटरी बिछी है, इधर गोरखपुर है, इधर फलान ढिमकान सब, जहाँ दिल्ली बम्बई लखनऊ फलान ढिमकान सब। हंस क्यों रहे हैं भाई साहब? बीपी हाई हो गया माँ का संसार। कैसे बीपी हाई हो गया? लगवा आ गए ट्रेन लगवा आ गए बहुत खतरनाक। और आप क्या देख रहे थे मोबाइल में? हम मोबाइल में थोड़ा एक्सीडेंट वाला बच्ची वाला देख रहे थे। पता चला अपने? पता चला हमारा आज सफर। दोस्तों जो ट्रेन अभी आप सबने देखा, मैं बता दूं कि हम लोग बैठे थे पटरी पे और ट्रेन मतलब आ गई, लेकिन आवाज वाज बिल्कुल नहीं कर रही है, कोई आवाज नहीं उसका। तो ये अचानक देखते देखते इधर ताक रहा है, ट्रेन तक भाग रहे हैं। वहाँ पुल के सामने आई तब आवाज की है ना, और उस बंदे को देखिए तब आवाज की है। हम लोग निकलते हैं घर की ओर। हमारी वाइफ झकास मकास धकास एकदम खराब लग रही हैं। दोस्तों दोनों लगे कि जैसे साड़ी पहने हैं पर बट कलर अलग है। हमारे हस्बैंड एक को नहीं देखे, नहीं हमको रहने दिए, मैं बिना देख ले झकास मकास फकास कह दिए। चल रहा था ट्रेन। अरे क्या ट्रेन लगता ये तो बाई दो फट रही है, बड़ा मस्त लोकेशन हुआ। तो अभी दोस्तों हम लोग बैठे बैठे हो चुका है काफी ज्यादा समय, और अभी को मैं चाय पी रहा हूँ और सुबह समय अभी तक वीडियो स्टार्ट भी नहीं किया हूँ। अभी फिलहाल हमारे एक मित्र है का बहुत ही अच्छा शॉप चलता है, पीपीगंज में चलता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक के जो भी प्रोडक्ट है मिल जाएंगे। मोबाइल है, जीरो डाउन पेमेंट पे, नो कॉस्ट EMI पे आप सभी को अवेलेबल मिलेगा इनके दुकान पे। तो आप सब आके एक बार चेकआउट कर सकते हैं इनके दुकान पे। आपसे बता दूं हमारे प्यारे मित्र हैं केशलाल भाई, और जो कि इनके साथ पहले बहुत सारा काम भी किए हैं, और हमेशा इनका गाने हमारे चैनल पे आते रहते हैं पोस्ट द्वारा, तो आप सब देखते हैं जरूर। और ये हमारे मित्र हैं अंगारा लाल जी, और देखते हैं गिफ्ट में क्या चीज है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये गिफ्ट, यहाँ लिखा भी है गिफ्ट बाय हितेश लाल ब्लॉग, और उनको मैं दिल से धन्यवाद कहूंगा। और भाई साहब यही निवेदन है कि आप सभी चैनल को एक बार सर्च मार के देखिएगा हितेश लाल ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं छत पे आते हैं, फिर शॉर्ट दो चार बनाते हैं। आज जाना है गोरखपुर, घर भी जाना है, तो इसकी वजह से सोच रहे हैं कब जल्दी जल्दी निकले हम लोग। दोस्तों हम लोग साड़ी पहने हैं, अभी गुड़िया जी को बुला रहे हैं। गुड़िया जी, और देखिए आज दोनों जना साड़ी एक ही साड़ी है, बस कलर चेंज है। अमन के तो लावा एक के लेकिन बट अमन के करिया करिया आए हैं। हाँ, गुरा गुरा। कौन और से करिया वाली लोग? गुलाब जामुन के साथ छेना। हाँ। कौन और करिया वाली लोग? गुलाब जामुन है तो ना छेना। कौन अमन छेना? छेना क्यों पूछवे नहीं करे थे? तो गुलाब जामुन बहुत चलाक था, उसने छेना फसाया। कान का बात है, कलेचर के दम कर लिया, कलेचर एक के खनवा अमन के कह दिन अमन के पसंद है एक के खाने, जैसे दुलाओ गुरार गुरा हमने दुनिया मिला छोर छोर दुलाओ ऐसा क्यों के गटेम थी पगा बांध के चरा सका। और हो कह देगा
तो दोस्तों पानी लिए हम गुड़िया जी के घर से जा रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सारे लोग हैं। यहाँ पर मेरा बाबू है क्योंकि खेल रहा है और यहाँ पर मेरे पति जी हैं। यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? काल लग रहा है। हम जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर उनका बेटा है जो कि बेचारा शादी करने के लिए बहुत परेशान है। कोई अगर लड़की है देख लीजिए दूल्हा को, अगर कोई लड़की है तो अच्छे से आ जाइए। अरे देखिए दोस्तों जाते जाते उबल दिया कि हमको गोरी दुल्हन चाहिए। अभी कह रहा था हम लड़की उड़की नहीं, हम शादी ही नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि गोरा रोना चाहिए। लड़का यही है, आप लोग गौर से देखिए ठीक है। लल्लू चले गए हेलमेट वेलमेट लगा के। चलो चलो तुम चलो चलो चलो। अरे यहाँ पर मेरा बेटा है, बेटा यहीं छोड़ के जा रहा है ना। बेटा तुमको यहीं छोड़ के जा रहा है, है नेटावा हम जात है जात। उसको दोस्तों यहाँ पर अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा देखिए कितना सामान हो गया है, कुछ अच्छा अच्छा गिफ्ट भी मिला है, बाद में इसको दिखाएंगे आप सभी को। चलिए चलते हैं हम लोग घर। तो गाइस आज है 25 तारीख, स्वागत है आप सभी का। काटा दिन पीछे का हो नकस के दोस्तों। पिछला ब्लॉग आप सभी जो भी देखते आ रहे हैं 24 तारीख का था, तो रात में मैं एंडिंग नहीं किया वीडियो और अपलोड भी नहीं किया। तो क्या कहना है, तो आज जा रहे हैं अपने घर पे, जो घर है वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी जो है हम लोग निकल लिए हैं जाने के लिए जमीन पे, जहाँ हमारी जमीन है हमारी घर है, वहाँ निकल लिए जाने के लिए। तो रास्ते में हम ये लोग पता नहीं, आवाज सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, ये तो नहीं पता है। फिलहाल हम लोग निकल लिए हैं घर पे, पहुँच के आप सबको मिलाते हैं। गाइस अभी पहुंच चुके हैं अपने टुटही पलानी के पास और कुटिया के पास। तो यहाँ अभी यहाँ टुटही पलानी है और यहाँ बना हुआ पलानी है, झंडा लहर रहा है, फहर रहा है। तो चलिए एंट्री करते हैं अंदर, क्या दशा है। यहाँ देखिए यहाँ डॉगी घर बना लिया है, सब अपना घर बना लिया, यहाँ सब डॉगी रहते हैं, देखिए सब ना हमारे हैं सब। तो गाइस यहाँ आप सब घास देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से सब घास जमा हुआ है। डरते डरते बाथरूम खोले हैं भाई साहब और कुछ नहीं भाई, कीड़े मछली। देखते हैं अभी नलका में पानी आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है दोस्तों। वहाँ उतना गिट्टी बचा था जो कि अभी तक है, बालू तो सारा खत्म हो गया। बाकी आप सभी को घर में लेके चलते हैं। बहुत ही मुश्किल से दरवाजा खुला है, क्या बताया जाए। देखिए कितना ईटा ईटा इसको मारे हैं दरवाजे पे, तब जाके तो खुला है घिसते घिसते। अभी अंदर बैठ चुके हैं कन्हैया लाला। क्या जीव है, रोटी नहीं आटा है। अभी देखिए पता नहीं क्या है, सड़ गया है। ओहो ये तो रोटी है, क्या हालत हो गई, सड़ गई बिल्कुल। अभी कन्हैया भाई ईटा गिरवाने की बात कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ईटा गिरवाते हैं। इस समय ईटा लाने वाले थे लेकिन आज तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी 3:30 से ऊपर हो चुका है समय। तो अभी भाई हम लोग चलते हैं घर और यहाँ से जो भी जरूरत का सामान है ले लेते हैं। और यहाँ आपसे कहता है कि इन भाई साहब का यहाँ कुदाल पड़ा था, लगभग के महीना हो गए, 2 महीने 3 महीने से हमारे घर पड़ा था। तो भाई साहब वो जो दवाई मार रहे हैं इनको दे दिया गया है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग मकई खाने। गिर गई नी मकई के खेत में, ये राजा तुहरा के चुम्मा देत में। गिर गई ओढ़ानी मकई के खेत में। तो अभी भाई साहब राहुल भाई मकई तोड़ रहे हैं। इतना मकई हम लोग ले चुके हैं और इसको लेके ओ माय डॉग चलते हैं। आज मकई खा के लागो ताकि ढीणा भर जाए। चला 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 चला, ये वो यादगार जगह है। एक जगह कौन सा है, ठंडी यहीं बिताए थे हम लोग। एक समय था जो कि यही हम लोग के लिए सहारा बना था। ये राहुल भाई का घर था जिसका मकई है। ठीक लगा, जल्दी सामान उतारो लोगन। नारियल बा अब अंदर और 2 साल खा रहे नारियल पूरा भर। गुड़िया पीरिया कहाँ से आ गई, अरे सीन अरे इले इले। तो देखिए मेरी वाइफ तो डेंजर लग रही है, डेंजर शिकायत हो रहा है। ये सब गिरा दे रहे हैं बेटा के, बड़ी मार मार दी है सब। क्या हाल है मित्रों,
दोस्तों काफी दिन बाद दीदी के घर पहुंच रहे हैं आयुष कार्तिक माता जी और यहाँ है आलू दीदी है और हमारी वाइफ जा रही हैं। ईवान नीचे है, मिलन जुलन होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। क्या हाल है? सब कुछ ठीक है। अरे चाहिए भैया, हम कोई चाय पिए थे, हम मांगी चाय। दारू? नारियल का पानी पी लियो, हम के दारू है। तो दोस्तों हम दीदी के घर से आ गए हैं और आए तो पता चला खाना वाना बन गया है, बनाना नहीं है, केवल खाकर सो जाना है। और खाना ना खा चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेटा सोया हुआ है, यहाँ पर मेरे पति देव जी साड़ी ओड़ी लपेट कर काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। वीडियो यही वाला वीडियो एडिट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ये वीडियो है वो बना रहे हैं, जो गुड नाइट वाला वीडियो है हम बना रहे हैं, ताकि आप लोग देखे और प्यार दिला दे। वहाँ पर मेरे पति देव जी कितने प्यार से काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। स्ट्राइक से पहले आप लोग देखते थे, जब से स्ट्राइक आया तब से आप लोग देख ही नहीं रहा हमारा वीडियो, पता नहीं हम लोग क्या गलती कर दी। कोई गलती की है तो अभी बताइए, ठीक है? कमेंट में चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।